हाल ही में डायरेक्टर टीनू आनंद ने बताया था कि कैसे उनकी फिल्म शहंशाह के दौरान अमिताभ बच्चन को मायस्थेनिया ग्रेविस नाम की एक बीमारी हो गई थी, जिसके कारण अमिताभ उनकी फिल्म को छोड़ने वाले थे। इससे टीनू आनंद काफी डर गए थे, क्योंकि अगर यह फिल्म न बन पाती तो उन्हें काफी नुकसान हो जाता। टीनू ने बताया था कि डॉक्टर्स ने साफ साफ कह दिया था कि अमिताभ अभी कुछ दिनों के लिए या फिर हमेशा के लिए एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। हालांकि अमिताभ की यह बीमारी ठीक हुई और उन्होंने टीनू आनंद की फिल्म शहंशाह को पूरा किया। इसके अलावा बची और भी फिल्मों की शूटिंग खत्म की। अमिताभ बच्चन ने खुद मायस्थेनिया ग्रेविस के दौरान अपने शरीर के हालात के बारे में बताया, जब वे चल भी नहीं पा रहे थे और उन्हें लग रहा था कि उनका एक्टिंग करियर अब खत्म हो जाएगा, लेकिन तब उनके दोस्त मनमोहन देसाई ने उन्हें मोटिवेट किया था। अमिताभ ने हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड में अपनी इस गंभीर स्थिति के बारे में बताया। इस एपिसोड में एक विकलांग कंटेस्टेंट आया था, जिसको अमिताभ ने अपनी मायस्थेनिया ग्रेविस जैसी खतरनाक बीमारी के बारे में बताते हुए कहा कि आप पानी नहीं पी सकते, अपनी कोट के बटन नहीं लगा सकते और यहाँ तक कि अपनी आँखें भी बंद या खोल नहीं सकते। डॉक्टर ने दवा का सुझाव दिया और मुझे आराम करने के लिए कहा, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ और चिंतित था। जब मैं घर आया तो सोच रहा था कि मैं कभी फिल्मों में कैसे काम करूंगा, मैं चल भी नहीं सकता और मुझे नहीं पता कि मैं ठीक से बात भी कर पाऊंगा या नहीं। यह एक कठिन समय था। अमिताभ ने बताया कि कैसे इस हालात में निर्देशक मनमोहन देसाई ने उन्हें मोटिवेट किया था। अमिताभ ने कहा कि मैं घर पर था जब निर्देशक मनमोहन देसाई, जिनके साथ मैंने कई बार काम किया था, मुझसे मिलने आए। उन्होंने कहा, तू बिल्कुल डर मत, तेरे को व्हील चेयर पर बिठा के साइलेंट रोल करवाऊंगा मैं। मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता कि किसी और में आशा देखना कितना महत्वपूर्ण था। उस समर्थन की मुझे सबसे अधिक आवश्यकता थी। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब लहरें